control, running the drone. High in the clouds, I stay in the zone. Keep it home, grow. Money I'm blowing. Gotham, Batcave में, जहाँ पर Batman, Robin और Nightwing तीनों मरे हुए थे, और Alfred एक सूट के साथ मिले कहता है, मेरे बच्चों मुझे माफ करना, क्योंकि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, और वो सूटकेस लेकर वो बैटविंग में चढ़ता है। उन लोगों के पास टाइम नहीं था कि वो किसी प्रोसेस पर काम कर सके, क्योंकि डिसीजंस क्विकली लेने थे और सभी लोग क्विकली मर रहे थे। अब उनके पास वक्त नहीं था कि उनके लिए दुख मनाते बेटे। और तब बैटविंग में वो गौतम सिटी पर बमबारी करने लगता है और एक एक करके वो सभी इन्फेक्टेड्स को मारने लगता है। ये वक्त था एक्शन लेने का, और ये था कि सब लोगों को कंट्रोल में ला सके, उन्हें हर्ट करके या फिर उन्हें चलाकर। यहाँ पर जोकर से बचकर भाग रही थी हार्ले क्वीन, और वो देखती है कि एक आदमी उन लोगों को शॉटगन के साथ मार रहा था, और उसके हाथ से वो गन नीचे गिरती है। वही उठाकर वो कहती है कि पीछे हटो वरना मैं इसे चला दूंगी, और तब जोकर उसकी तरफ बढ़ता है बिना उसकी बात सुने। वो फिर से कहती है कि अब भागना नहीं, आईवी सही कह रही थी कि मुझे मेरे मॉन्स्टर को खुद ही फेस करना पड़ेगा, और वो उस पर गोली चला देती है और कहती है कि तुमने मेरे लिए आज तक कुछ अच्छा काम नहीं किया, तो ये लो। और जोकर के मरने के बाद हार्ली खुशी से नाचने लगती है कि तभी उसके सामने कुछ सुपर हीरोज आते हैं, और तब हम देखते हैं बर्ड्स ऑफ प्रे को, यानी कि बैट वुमन, बैट गर्ल, हंट्रेस और कैट वुमन को। तब उन्हें देखते हुए वो कहती है कि क्या ये ज़ॉम्बी बर्ड्स ऑफ प्रे है रियली, और वो सभी हार्ली पर अटैक करने जा रहे थे। तभी वो कहती है ये लगता है कि अब इन बर्ड्स को मारने की जरूरत है। डैमियन को पुकारते हुए जॉन आता है टेरी पैनल की छत पर, जहाँ पर वो कहता है क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ ताकि तुम्हें अकेला महसूस ना हो। तब लुइस और सुपरमैन वहाँ पर देख रहे थे उन दोनों को, जहाँ पर ऑलिवर कहता है डैमियन ठीक है। तब सुपरमैन कहता है डैमियन अपने पिता की तरह है ऑली, वो इस सब को भूल जाएगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन उसने अपने पिता को खोया है, और वो लुइस से कहता है कि उसे घर जाना होगा, लेकिन उससे पहले उसे बिल्डिंग को और उन लोगों को सिक्योर करना होगा। तब वो कहती है कि हमें कम्युनिकेट करने की जरूरत है, डेली प्लेनेट के रेडियो सिस्टम्स अभी भी चल रहे हैं, तो हम कॉल आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर डायना कहती है कि वो उसकी मदद कर सकती है, लेकिन सुपरमैन कहता है कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो अकेला ही सब कुछ मैनेज कर लेगा। और वो सभी इन्फेक्टेड लोगों को एक एक करके खिड़की से बाहर फेंकना शुरू करता है। हार्डेस्ट पार्ट ये था कि इन्फेक्टेड लोगों के साथ डील कैसे करे, क्योंकि वो इन्फेक्टेड अभी है लेकिन वो पहले लोग थे, वो कलीग्स थे और वो जाने पहचाने और जिगरी दोस्त हुआ करते थे। सुपरमैन आखिरकार एग्जिट को सील करके वहाँ पर डेली प्लैनेट का एक ग्लोब लाकर रख देता है, और बताता है कि उसने बिल्डिंग सिक्योर कर ली है, और चाहे तो वो लोग स्मॉलविले आ सकते हैं क्योंकि वो जगह यहाँ से बहुत सेफ है, लेकिन लुइस कहती है कि उसकी यहाँ पर जरूरत है। यहाँ पर जॉन सुपरमैन को जल्दी वापस आने को कहता है, और सुपरमैन उसे प्रॉमिस भी करता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉमिस का कोई पॉइंट नहीं था क्योंकि सबको पता था कि ये प्रॉमिस टिकने नहीं वाले और ना ही पूरे होने वाले हैं। और वो जाते हुए डायना और ऑली से कहता है कि उसकी फैमिली को सेफ रखे। अटलांटिस, जहाँ पर कार अपनी पावर पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, और उसे मेरा ऐसा करने के लिए कह रही थी और बता रही थी कि तुम अपनी एबिलिटीज को पुश कर सकते हो और टाइड के अगेंस्ट अपनी एबिलिटी दिखाओ, या फिर अपने टेम्पेस्ट के सुपरहीरो नाम के बारे में फिर से सोच लो कि तभी समंदर में अंधेरा छाने लगता है। तब कार्त कहता है कि सूरज डूबने में अभी वक्त है। तब वो बताती है कि सूरज नहीं, शायद ये वाटर है, लेकिन वो वाटर नहीं बल्कि ब्लड था जो कि एक्वामैन बहाते हुए आ रहा था। और यही देखने के लिए कार्त ऊपर जाता है और उसके मुंह में वो ब्लड चला जाता है, जिस वजह से वो इन्फेक्टेड हो जाता है। और अब मेरा अकेली बची थी उन सब के सामने। तब वो उन पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, और वो वहां से भाग जाती है। सभी पावर के साथ मैन ऑफ स्टील यानी कि सुपरमैन अभी भी सुपरमैन था, भले ही वो अपने काम में बिजी हो या फिर वो अपनी फैमिली के लिए लड़ रहा हो, लेकिन वो पीपल्स को इग्नोर नहीं कर सकता था जिन्हें उसकी जरूरत थी, और उसने यही किया। उसने मुसीबत में फंसे लोगों को फिर से राह दिखाई, लेकिन उसकी जरूरत हर कहीं पर थी। यहाँ पर जेफरसन लड़ रहा था क्लेफेस से,
सुपरमैन वहां पर जाता है और पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। तब वो बताता है कि ये क्लेफेस है और उसकी मदद करके वो कहता है कि अपनी फैमिली को लेकर आगे बढ़ो। तब वो कहता है कहाँ पर। तब सुपरमैन कहता है कि डेली प्लेनेट पर, वो जगह सेफ है। और जेफरसन उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तब वो कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। स्मॉलविल में आकर वो अपनी माँ से पूछता है कि पिताजी कहाँ पर है। तब वो बताती है कि जोनाथन अंदर है और मैंने उसे मारा और वो गिर गया। इतना कहते ही सुपरमैन अंदर जाता है और एक तहखाने का लॉक तोड़कर वो अपने पिता को देखता है और वो भी इन्फेक्टेड हो चुके थे। जैसे ही क्लार्क पर अटैक करते हैं, वो अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके उन्हें वहीं पर रोक लेता है और फिर से उसे तहखाने में बंद कर देता है। भले ही वो एक स्पीडिंग बुलेट से फास्ट हो, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर देर से पहुंचा है। और जैसे ही वो बाहर आता है, वो कहता है कि अब जाने का वक्त आ चुका है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। High in the clouds, I stay in the zone. Keep it homegrown, money I'm blowing.